हाय एवरीवन, वेलकम टू पेन टू प्लेट फ्रॉम जयंती। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन सैंडविच। आपने प्लेन गुलाब जामुन तो हमेशा ही खाया है, एक बार इस तरीके से आप बना के देखिए। ये स्टफ़ गुलाब जामुन है जो सैंडविच के शेप में हम बनाएंगे, बहुत ही यमी बनता है। आप इसे एक बार बना के देखिए, फिर आप इसे ज़रूर बार बार बनाएंगे। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं इसको बनाने में। मिल्क पाउडर से हम इसे तैयार करेंगे, स्टफिंग भी और इसके जामुन भी। तो चलिए देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स। तो यहाँ पर 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून योगर्ट है, ये होममेड योगर्ट लिया है। 2 कप्स पाउडर्ड शुगर लिया है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लगेगा, 1/2 टीस्पून ग्रीन कार्डमम पाउडर है और 1/4 कप यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है मैंने, ये हम डो बनाने में यूज़ करेंगे। घी लिया है 2 टेबल स्पून, घी भी हमको डो बनाने में भी लगेगा और स्टफिंग बनाने में भी लगेगा। और मिल्क लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम है ये, तो इसे भी हम डो बनाने में यूज़ करेंगे और स्टफिंग बनाएंगे। तो 1 कप मिल्क लिया था, उसमें से 1/3 कप हम अलग रख लेंगे स्टफिंग बनाने के लिए। और बोल में ये सारी चीज़ें हम डालेंगे, मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर और घी 1 टीस्पून डालेंगे। योगर्ट भी हम डालेंगे और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मेजरिंग कप से 1/3 कप मैंने यहाँ पे मिल्क निकाला है और थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डाल के इसका डो बनाएंगे। डो आपको स्टार्टिंग में स्टिकी लगेगा, बट जब ये रेस्ट करेगा डो तो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ये जामुन बनाने के लायक बन जाएगा बिल्कुल। तो डो हमारा रेडी है और अब हम स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग में हमने एक पैन चढ़ाया है और पैन में मिल्क डाल दिया जो बचा हुआ मिल्क था, और 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और जो मिल्क पाउडर हमने 1/3 कप निकाला था वो भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें इस टाइम में, और जैसे ही ये थोड़ा सा थिक होने लगे तो उस टाइम पे आप इसमें 1/3 कप ही शुगर भी ऐड कर दें। तो ये 2 से 2.5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है मावा बनके। और ये देखिए ये कितना अच्छे से मावा हमारा रेडी हो चुका है। इसको अलग हम निकाल के किसी बोल में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम शुगर सिरप तैयार करते हैं। तो एक बर्तन में हमने 2 कप जो शुगर लिया था वो डाला है और 2 कप ही पानी डालेंगे, और जैसे ही बॉयल आए तो उसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। डो हमारा अब सेट हो चुका है, रेस्ट हो चुका है। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगाएं और इसको हम अब स्क्वायर शेप में इसके सैंडविच के शेप में हम बनाएंगे। तो इसको आप ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी ज़ोर से प्रेस ना करें, बहुत हल्के हाथों से बनाएं और हाथों पे घी ज़रूर लगाएं ताकि अच्छे से शेप आ जाए और हाथों में चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने सारा रेडी कर लिया है बना के, और स्टफिंग भी हमारा अब ठंडा हो चुका है। तो चलिए फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें ऑयल, और इसमें एक एक करके जितने भी आए आपके वो डाल दें जामुन सैंडविच। और फिर इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमको फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल ये कलर ना आ जाए इसमें, जामुन वाला कलर। तो इस तरीके से, और चाशनी इस टाइम में जो है ल्यूक वॉर्म होनी चाहिए। तो जैसे ही आप फ्राइंग पैन से निकालें जामुनों को, तुरंत के तुरंत आप इसको डिप कर दें चाशनी में और इनको उलट पलट के फिर इसका जो है लिड लगा दें ताकि अच्छे से इस बीच में चाशनी को अब्जॉर्ब कर ले जामुन। अब दूसरा बैच भी जो है वो भी आप इसी तरीके से फ्राई कर लें और उनको भी डाल दें। तो ये टोटल टाइम आपको चाशनी में रखने का 10 से 15 मिनट इनफ होता है। इतनी देर में ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये सारे सोक कर लेते हैं अपने अंदर शुगर सिरप। इनको ढक के 10 से 15 मिनट आप छोड़ दें। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब एक एक करके हम सारे जामुन बाहर निकाल लेंगे और कितने अच्छे से देखिए फूल चुके हैं, ये सारे शुगर सिरप अब्जॉर्ब कर लिया है। अब एक शार्प नाइफ से इसके बीच से आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें, कट लगाएं और बहुत अच्छे से स्मूथली कट लगाएं ताकि ये देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगे जितना टेस्टी ये खाने में होगा। और ये देखिए कितनी अच्छी से जालियाँ बनी हुई हैं अंदर, आप देख सकते हैं कि बहुत ही यमी अभी ही दिख रहा है। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के स्टफिंग थोड़ा थोड़ा सा ले ले, 1 टीस्पून के आसपास स्टफिंग ले और सबके ऊपर दूसरा एक के ऊपर एक रखते जाएं। और इस तरीके से सारे सैंडविच जो है आप स्टफ़ कर लें। और यहाँ पे सब स्टफ़ हो चुके हैं तो अब इनको हम बीच से काट लेते हैं सैंडविच के शेप में। आप चाहे तो इनको ऐसे भी रख सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से सारे कट चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको गार्निश कर लें किसी चीज़ से, ड्राई फ्रूट से। मैंने यहाँ पे इसको पिस्टेचियो से थोड़ा सा गार्निश किया है।
और आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल आसान है बनाना। इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें इस वीडियो को, और कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।